उनके यहाँ 3 महीने से काम कर रहा था, 1 महीने की सैलरी इसको मिली थी, 2 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। सैलरी नहीं मिलने के कारण ये गुस्से में था, इसको अपनी बेटी का फ़ी पे करना था। और जब इसने फी की डिमांड उन्होंने पैसे की डिमांड की तो उस समय संभवतः उन्होंने कुछ नकारात्मक आंसर दिया, क्योंकि इसकी वाइफ के साथ ये नहीं रहता है, वाइफ इसको छोड़ के चली गई है, अकेले रहता है ये, और बेटी इसके लिए बहुत प्रिय है और ये अकेले उसको पाल रहा है। ऐसे कंडीशन में इसको लगा कि अगर मेरी बेटी का पैसा नहीं जाएगा फ़ी का, संभवतः स्कूल से उसको हटा देंगे। पिछले दिनों फिरोजाबाद का वो मामला तो आपको याद ही होगा, जहां दरोगा दिनेश मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में हत्याकांड का खुलासा यूपी पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि हत्यारोपी धीरज शर्मा दारोगा के साथ ही पिछले 3 महीने से काम कर रहा था। दारोगा दिनेश मिश्रा के सहयोगी काम के अलावा वो घर के काम देखता था। पुलिस के मुताबिक दारोगा ने धीरज को पिछले 2 महीने से काम करने के पैसे नहीं दिए थे और धीरज को अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा करनी थी। 3 महीने चंदपुर गांव से तुम ही लौट रहे थे उनके साथ? चंदपुर गांव से? हाँ जी, चंदपुरा से मैं ही लौट रहा था, सभी लेने का, मैं सामान लेने गया था घरेलू। फिर शराब कहाँ पी फिर तुमने? उनके साथ ही? नहीं, इनके साथ नहीं पी है। आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई थी जिसके लिए वो चला गया? आप दरोगा जी के साथ थे, उनके पीछे मोटरसाइकिल पे थे, घटना हुई है 8:10 पे। आखिर ये 1.5 घंटे में आपने 1.25 घंटे में शराब कहाँ पी, और क्या ऐसा नशा है कि वो 1.5 घंटे बाद भी सुरूर पे रहेगा? सर मुझे इस चीज का अफसोस है, मुझे सब अगले दिन। अच्छा, जो गोली मार, हम आपने घटना पूछ रहे हैं, हम कानून की नहीं बात कर रहे। तुमने किसी समाचार पत्र में भी काम किया? हाँ, मैंने उसमें काम किया है, डीएलए प्रेस में काम किया था, और डीएलए प्रेस से ही मुझे शराब पीने की लत लग गई। भैया मैं वैसे मैं बीएससी कर रहा हूं, डीएलए में क्या करते थे? विज्ञापन विभाग में था मैं। घटना के समय पे फोन पे बात। अच्छा, गोली मारने के बाद में आप पुलिस को गुमराह क्यों किया था तुमने? अरे हथियार कहां से आया आपके पास? तमंचा मेरे बैग में था। बता दें कि 3 अगस्त को थाना अराव के सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई जब वे तफ्तीश के सिलसिले में मोटरसाइकिल से चंद्रपुरा गांव गए थे। मोटरसाइकिल पर उनके पीछे ही उनका परिचित धीरज शर्मा यानी कि उनका हत्यारोपी बैठा हुआ था। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा की जरासी चूक उसकी मौत का कारण बनी। दरअसल 28 वर्ष के धीरज शर्मा को वो अपने साथ रखते थे, जो उनका परिचित था, पिछले 3 महीने से साथ रख रहे थे और 10,000 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया था, इसमें से 1 माह के 10,000 रुपये दिए भी थे। बेहद नशे का आदि और अपने साथ हमेशा हथियार रखने वाला, अवैध हथियार रखने वाला धीरज शर्मा अपनी 7 वर्ष की लड़की से बहुत प्रेम करता है। धीरज शर्मा ने उसकी फीस नहीं जमा की, फीस जमा करने के लिए उसने दरोगा जी से कई बार पैसे मांगे, दरोगा जी ने पैसे नहीं दिए। इससे कुपित होकर धीरज शर्मा ने 3 तारीख को नशा किया और मेन रोड पर उनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर बहस की, मोटरसाइकिल रुकवाई और उसके बाद दरोगा जी की गर्दन पर अवैध कट्टा रख के गोली मारकर हत्या कर दी। अब धीरज शर्मा अपने इस कृत्य के लिए बहुत शर्मिंदा है। वहीं पुलिस ने धीरज शर्मा से पूछताछ के बाद क्या कुछ कहानी बताई वो भी जान लीजिए। देखिए, 3 को यानी आज से 2 दिन पहले रात्रि करीब 8 बजे की घटना थी। थाना अराव पर तैनात दिनेश मिश्रा जी उनके यहाँ काम करने वाले एक लड़के के साथ अपने कार्य क्षेत्र से वापस थाना आ रहे थे, तभी उनके साथ जो बैठा हुआ था उसने उनके ऊपर अटैक किया और एक गोली मारी, जिससे उनकी अस्पताल में लाने के बाद उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। इनफैक्ट इस घटना की सूचना जो उनके साथ बैठा हुआ था उसी ने SHO को दी, लेकिन एक्सीडेंट के रूप में दी। मौके पर कुछ आसपास के लोग पहुंच गए थे, उसको भी उन्होंने एक्सीडेंट बताई, लेकिन जब मौके पर लोग पहुंचे, हमारे SHO मौके पर पहुंचे, तो वहां पर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको गोली मारी गई है, ब्लीडिंग काफ़ी थी, लेकिन तत्काल उनको लेकर के हॉस्पिटल लोग गए। वहाँ पर जब हम लोगों ने इससे बातचीत की, चूँकि ये साथ में था, तो इसका नाम धीरज शर्मा है जो उनके यहाँ काम करता था, जब इसे हम लोगों ने पूछताछ की धीरज शर्मा से, तो इसने बहुत सारी बातें बताई, गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर जो एविडेंसेस थे उस एविडेंसेस को देखने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पूछताछ की
और उस एविडेंसेस को लेकर के इसे कन्फ्रंट किया, तो अल्टीमेटली इसने कल घटना को खुद ही करना स्वीकारा है। इसने जो घटना कारित करने में जो असलाह यूज़ किया था उसको भी इसने रिकवर कराया है, और बाकी इसने पूरी घटनाक्रम के बारे में एक्सेप्ट किया है कि कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया। ये बेसिकली उनके यहाँ 3 महीने से काम कर रहा था, 1 महीने की सैलरी इसको मिली थी, 2 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। सैलरी नहीं मिलने के कारण ये गुस्से में था, इसको अपनी बेटी का फ़ी पे करना था, और जब इसने फी की डिमांड उन्होंने पैसे की डिमांड की तो उस समय संभवतः उन्होंने कुछ नकारात्मक आंसर दिया जिससे ये गुस्से में आ गया, और उसके बाद इसने अपने साथ ये तमंचा प्लानिंग के तहत रखता था उसने उनके ऊपर अटैक किया और उस गोली लगने से उनकी डेथ हो गई। सर, जिस समय ये घटना हुई थी उसके बाद ये शख्स धीरज शर्मा हॉस्पिटल में भी था, तो क्या इसने नशे का सेवन किया था, और क्या एक 10 या 20 हज़ार रुपये के लिए सब इंस्पेक्टर की हत्या की जा सकती है? देखिए, ये नशे में इसका होना पाया गया है। उस दिन जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो इसने बार बार खुलकर यही बोला था कि मैं नशे में था, लेकिन ये गुस्सा इसको ज़्यादा था और गुस्से में इसने इस घटना को कारित किया है। चूँकि बहुत दिनों से शायद समौता पैसा मांग रहा था और उधर स्कूल से फ़ी के लिए बार बार डिमांड आ रहा था, इसको ऐसा लग रहा था, चूँकि इसकी वाइफ के साथ ये नहीं रहता है, वाइफ इसको छोड़ के चली गई है, अकेले रहता है ये, और बेटी इसके लिए बहुत प्रिय है और ये अकेले उसको पाल रहा है। ऐसे कंडीशन में इसको लगा कि अगर मेरी बेटी का पैसा नहीं जाएगा फ़ी का, संभवतः स्कूल से उसको हटा देंगे, तो ये बहुत गुस्से में था, तो इसने उस गुस्से में आकर के उनके नेगेटिव आंसर पे इसने उनके ऊपर अटैक कर दिया। सर, कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ये तो एक मोहरा है, इसकी कॉन्स्पिरेसी में कोई और भी पीछे से है, तो इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या है? देखिए, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जितने सारे एविडेंसेज हैं और जितने सारे हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी हमारी जो लखनऊ FSL की टीम है उनके द्वारा भी उस वहाँ पे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, और उनके द्वारा भी जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से जो उनके साथ आदमी था उसी ने गोली मारना उसको उन लोगों ने एक तरह से अटेस्ट किया है, उनकी फाइंडिंग्स भी आएगी। और हम लोगों ने जितने सारे एविडेंसेस थे सबको लेकर के जब इससे बातचीत की तो स्पष्ट रूप से अभी ये दिख रहा है कि इसी ने इस घटना को अंजाम दिया, इसने कन्फेस किया है और इसने जो असलाह यूज हुआ था उसको रिकवर भी कराया है, तो ये घटना इसके द्वारा ही आउट ऑफ एंगर किया जाना अभी तक सामने आया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।